हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चांद पावनीकर और आप देख रहे हैं मारुति सुजुकी कार एक्सेसरीज। तो आज की वीडियो में हमें एक गाड़ी में स्विफ्ट गाड़ी है उसमें कोडिंग बताऊंगा। अगर आपके पास अगर मारुति की अगर कोई भी गाड़ी है जिसमें अलार्म का स्विच है, जैसा हमारे एक व्यूवर्स ने कमेंट किया था उनकी गाड़ी अल्टो है, तो वो जो कोडिंग है आपकी मारुति की हर गाड़ी में चलेंगी जिसमें अलार्म की बटन साइड में लगी हुई है। तो वीडियो को पूरा देखिए और जो जिस तरीके से मैं कोडिंग कर रहा हूँ उस तरीके के आप भी अपने गाड़ी में कोडिंग कीजिए तो आपकी गाड़ी का प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाएगा। इंडिकेटर है वो एनी टाइम ब्लिंक करते रहता है और सायरन भी बजते रहता है। वीडियो में हम इस गाड़ी में बताएंगे कि इंडिकेटर कैसे ब्लिंक होता है और उसको कैसे ऑपरेट कर सकते हैं और उसको सायरन कैसे आपका डीएक्टिवेट होता है। तो चलिए, ये गाड़ी मैंने किया अभी लॉक, ये गाड़ी हमारी हो गई लॉक। और अगर मैं रिमोट से अगर नहीं खोलता हूँ और सिर्फ चाबी से खोलता हूँ तो हमारी गाड़ी बजना चालू हो जाएगी। तो आपको गाड़ी का सायरन और इंडिकेटर चारों ब्लिंक कर रहे हैं, तो इस सिचुएशन में आपको मैं बताता हूँ कैसे करना है। गाड़ी का इग्निशन ऑन करना है, ये अलार्म की बटन है, ये दिख रही है आपको, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके का आपको 7 बार इसकी कोडिंग करना है। कोडिंग करने के बाद आपकी गाड़ी का प्रॉपर तरीके से रिमोट वर्क करना चालू हो जाएगा। गाड़ी का तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होंगी। प्लीज़ मुझे बताइए आपके गाड़ी में और क्या क्या प्रॉब्लम है, तो मैं आपको ज़रूर वीडियो बनाकर उसको अपलोड करूँगा। बाय दोस्तों।